हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन नीट। आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने साइंस की बात की थी, साइंस की डेफिनेशन की बात की थी, साइंस क्या होती है, उसकी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको बायोलॉजी, बायोलॉजी का मीनिंग बताया था, उसकी डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, तो आज हम बायोलॉजी के अंदर ही सबसे शुरू करने जा रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट यूनिट है जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, देख रहे हैं आप ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। हर बार हर परीक्षा के अंदर इस यूनिट से सवाल आते हैं, चाहे वो टेंथ हो, चाहे वो ट्वेल्थ हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो एम्स हो, या चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी हो, आरपीएससी हो, नीट एग्जाम, सब में इसके सवाल आते हैं। तो बड़ी ही इम्पोर्टेंट यूनिट, 4 से 5 सवाल आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इसको दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। अब बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन का मतलब होता है, आप जानते ही हैं, इसका मतलब क्या होता है, मानव। और फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी एक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक होता है फिजिकल, ठीक है, और लॉजी का मतलब मैं पहले बता चुका हूं, लैटिन वर्ड होता है जिसका नाम होता है लॉग्स। ठीक है, लॉग्स का मीनिंग होता है स्टडी करना, ये पहले पिछली क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, और फिजिकल का मतलब होता है हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, फिजिकल के अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे, हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी है, हमारी केमिकल स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है, और हमारी फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसी है। फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब हम शरीर की बात करेंगे, हमारे जो शरीर है वो किन किन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, चाहे वो सर हो, चाहे कान हो, चाहे आंख हो, चाहे हाथ हो, पैर हो, किडनी हो, लीवर हो, इन सब की बात करेंगे किसके अंदर, फिजिकल के अंदर। केमिकल में बात करेंगे उसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है, वो किन किन से मिलकर बनी हुई है, यानी उसके अंदर कौन कौन से प्रकार की सेल है, सेल के अंदर क्या क्या मटेरियल है, इन सब की बात करेंगे किसके अंदर, केमिकल स्टडी के अंदर। और फिजियोलॉजिकल स्टडी के अंदर बात किसकी करेंगे, कि हम कैसे जीवित हैं, हम सांस क्यों ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं, पाचन कैसे हो रहा है, कैसे हम सोच रहे हैं, कैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है, क्यों लिख रहे हैं, इन सब की बातें होती हैं फिजियोलॉजिकल स्टडी के अंदर। तो फिजिकल क्या है यहाँ पर, मतलब फिजियोलॉजी मतलब फिजिकल, और फिजिकल का मतलब यहाँ पर फिजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर तीनों से है। लॉजी का मतलब पहले बता चुका हूँ, लॉग्स होता है जिसका मतलब होता है स्टडी करना, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे, ह्यूमन के फिजिकल, केमिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है। जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमें ह्यूमन के अंदर जो सिस्टम होते हैं उनकी बात करनी है एक्चुअली। ठीक है, यानी ह्यूमन के अंदर कौन कौन से सिस्टम है उनकी बात करनी है। लेकिन सिस्टम की बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक वर्ड आया, आपने गौर किया हो, सिस्टम। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर सिस्टम होते हैं तो सिस्टम क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं कि सिस्टम किसे कहते हैं। तो देखिए ये है हमारी सेल, ये है हमारी सेल और ये इसका न्यूक्लियस, ये एक सिंगल सेल है। ठीक है, ये सेल है और इसका न्यूक्लियस है। सेल को हम क्या बोलते हैं, किसी भी जीव की, ठीक है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या बोलते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल क्या होती है, एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल क्यों बोला, क्योंकि किसी भी जो लिविंग होगा, ठीक है, चाहे कोई भी जीव हो, उसकी जो भी संरचना होगी वो किससे बनी हुई होगी, सेल से बनी हुई होगी। ठीक है, जैसे मकान है तो मकान किससे मिलकर बना हुआ है, ईंटों से मिलकर बना हुआ है, तो उसकी एक ईंट है वही बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो उसकी स्ट्रक्चर किसने बनाई है, ईंटों ने मिलकर बनाई है, तो यूनिट कौन हो गई, ईंट हो गई। उसी प्रकार से बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है, तो बॉडी की यूनिट कौन सी होगी, सेल, इसलिए इसको क्या बोला, स्ट्रक्चरल यूनिट।
इसी प्रकार बात करें फंक्शनल यूनिट की, तो फंक्शनल क्यों कहा? क्योंकि जितने भी काम होते हैं, चाहे मैं सांस ले रहा हूँ, चाहे मैं सोच रहा हूँ, चाहे मैं लिख रहा हूँ, चाहे मैं भोजन पचा रहा हूँ, ठीक है, एक्सक्रेशन कर रहा हूँ, रिप्रोडक्शन कर रहा हूँ, सब के सब काम कौन करवाता है? सेल करवाती है, सेल का केमिकल कंपोजिशन करवाता है। तो हमारे बॉडी की फंक्शनल यूनिट भी कौन हो गई? सेल हो गई। इसलिए इसको क्या कहा गया? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। यही जब सेल आपस में मिल जाती है, सिमिलर सेल भी हो सकती है और डिससिमिलर सेल भी हो सकती है, जब ये आपस में अरेंज हो जाती है और एक पर्टिकुलर कार्य को कंप्लीट करती है, तो हम बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स। और इसी का दूसरा नाम हमने रखा है टिश्यू, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल ना बोल के हम क्या बोलेंगे, ये क्या बन गया? एक टिश्यू बन गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी मसल है, ठीक है, मसल हो गया, ब्लड हो गया। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? मसल और ब्लड। तो टिश्यू के एग्जाम्पल हो गए मसल एंड ब्लड। मसल को जब आप खोलोगे तो उसके अंदर आप बहुत सारी सेल दिखेगी, एक सिंगल सेल नहीं है मसल, ठीक है। मसल क्या है? ग्रुप ऑफ सेल, और एक पर्टिकुलर कार्य कंप्लीट कर रही है, ठीक है, हमारी बॉडी को सुरक्षा दे रही है, हमारी बोन के चार ओर है। ब्लड, ब्लड को जब आप खोलोगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारी सेल दिखेगी, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो ये बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है। अब ये सिमिलर भी हो सकती है और डिसिमिलर भी हो सकती है। तो ब्लड, ब्लड को जब खोलोगे तो आपको क्या दिखेगी? उसके अंदर क्या है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, अलग अलग प्रकार की सेल है, उनसे कंपोजिशन क्या बना? ब्लड बना। तो ब्लड क्या हो गया? एक टिश्यू हो गया और एक पर्टिकुलर कार्य कंप्लीट कर रहा है। लेकिन इसके अंदर आप एक बात गौर करें, आरबीसी अलग कार्य करेगी, डब्ल्यूबीसी अलग कार्य करेगी, प्लेटलेट्स अलग कार्य करेगी, और ब्लड इन तीनों का मिक्सचर है। तो ब्लड एक पूरे के पूरे कार्य को कंप्लीट कर रहा है, उसको बोला टिश्यू। फिर आगे चलते हैं, यही जब टिश्यू सेम लगातार चेन चलेगी, ठीक है, सेल सेल अरेंज हो गई, क्या बोला? टिश्यू। अब टिश्यू क्या होंगे? अरेंज होंगे, बहुत सारे टिश्यू आपस में क्या हो गए? अरेंज हो गए। तो बोला क्या बना? ग्रुप ऑफ टिश्यू। वही सेम बात, ये भी सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। और इसी ग्रुप ऑफ टिश्यू को हमने नाम रखा, क्या बना? ये बन गया हमारा ऑर्गन। क्या बना? ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ब्रेन, लीवर, किडनी, ठीक है, पैनक्रियास, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गन है। तो ऑर्गन किसे कहेंगे? ग्रुप ऑफ टिश्यू, और वो क्या करें? पूरे के पूरे कार्य को कंप्लीट करें, ठीक है, या बहुत सारे कार्यों को कंप्लीट करें। जैसे लीवर है तो लीवर बहुत सारे कार्यों को कंप्लीट करता है, ब्रेन है वो बहुत सारे कार्य कंप्लीट करता है, किडनी भी बहुत सारे कार्यों को कंप्लीट करती है। तो क्या बोलेंगे? ऑर्गन है, किससे मिलकर बना हुआ है? टिश्यू से। टिश्यू किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से। और सेल हमारे शरीर की क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब ये जब ऑर्गन पूरे के पूरे मिल जाएंगे और एक सिस्टमेटिक तरीके से एक पूरे के पूरे कार्य को कंप्लीट करेंगे, तो बोला हम क्या बन गया? ये बन गया एक सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन मिल गए, यहां लिख रहा हूं, ये हो गया हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑर्गन। इसे हमने क्या बोला? ये बना हमारा सिस्टम। क्या बन गया? सिस्टम, ठीक है। देखिए वापिस देखिए एक बार, सेल सेल से बना, आपस में अरेंज हो गई, क्या बना? टिश्यू। टिश्यू जब आपस में अरेंज हो गए, क्या बना? ऑर्गन। और ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन तो हो ही, लेकिन साथ में वो एक पर्टिकुलर कार्य को सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट करें, ठीक है। पूरी लाइन देखिए, ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो एक पर्टिकुलर कार्य को, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट करें, उसे क्या बोलेंगे? ये क्या बना? सिस्टम, ठीक है। सिस्टमेटिक तरीके से जो कार्य कंप्लीट करता है, कौन करेगा कंप्लीट? ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ठीक है, आपस में
इंटर रिलेटेड होकर के कार्य को कंप्लीट करेंगे, बोलेंगे क्या बन गया, ये बन गया पूरा का पूरा एक सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होगा, ये माउथ हमारा एक ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है इसोफेगस, ठीक है। उसके बाद ये हमारा अमाशय एक ऑर्गन है, पेनक्रियाज एक ऑर्गन है, लीवर एक ऑर्गन है, ठीक है, पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल एक ऑर्गन है। तो बहुत सारे ऑर्गन मिल गए और एक पर्टिकुलर कार्य को कंप्लीट करें जिसका नाम है डाइजेशन, इसने नाम रखा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी प्रकार से बहुत सारे सिस्टम है, टोटल 11 सिस्टम है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर मेजर, अगर मैं मेजर सिस्टम की बात करूं तो टोटल 11 सिस्टम है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसका अभी पूरे के पूरे को डिस्क्राइब करेंगे कौन कौन से सिस्टम है और उनका नाम कैसे पड़ा है। तो चलिए बात करते हैं सिस्टम की। हाँ जी साहब, अब देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर कौन कौन से 11 सिस्टम है जिसकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सेलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। ये हमारे पास टोटल 11 सिस्टम है। तो देखिए थोड़ा बहुत मैं आपको ब्रीफ अकाउंट ऊपर ऊपर दे देता हूँ कि कौन कौन से सिस्टम क्या क्या काम करता है। सबसे पहले बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट का माइक्रो एलिमेंट या कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना हुआ है, ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल है उसको माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, यानी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ये इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज मिलकर आगे क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ये मैक्रो मॉलिक्यूल है और ये एक माइक्रो मॉलिक्यूल है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, इसी फैट को तोड़ेगा फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में, ये इसका काम है, किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा, जो हमने माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनाए हैं किसकी मदद से, डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से, उनसे ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बनेगी, क्या बनेगी, एटीपी, जिसका हम यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है बायोलॉजिकल। इसका नाम आप कॉपी के ऊपर नोट कर लीजिए, कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। इसका नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, कॉपी के टॉप पर लिख लीजिए आप इसको, एटीपी आगे करके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कई बार ये पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको बायोलॉजिकल आपके जैविकीय मुद्रा भी कहते हैं इसको, ठीक है, जैविकीय मुद्रा हमने बना ली एटीपी, ठीक है। हमारे पास क्या था, माइक्रो मॉलिक्यूल्स था, O2 था और हमने क्या बनाई, एटीपी बनाई। तो इन तीनों चीजों की जरूरत शरीर के प्रत्येक भाग को होती है, चाहे वो बाल हो, चाहे वो आंख हो, चाहे वो मुंह हो, चाहे वो पेट हो, चाहे वो टांग हो, चाहे वो पैरों की अंगुली हो छोटी से छोटी, उन सबको इन तीनों चीजों की जरूरत होती है। तो इन तीनों चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टम काम करता है, उस सिस्टम का नाम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर फोर्थ नंबर आता है एक्सेलेटरी सिस्टम। अब हमने ये जो भोजन लिया है उनमें से कुछ हमारे लिए वेस्ट होता है, ठीक है, हम उसका यूज नहीं कर पाते, तो जो वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकालना क्या होता है, आवश्यक होता है, क्योंकि शरीर के अंदर रहेंगे तो वो हमारे लिए टॉक्सिक है। तो उनको बाहर निकालने के लिए सिस्टम काम करता है जिसका नाम होता है एक्सेलेटरी सिस्टम, और ये यूरिन के द्वारा और मल के द्वारा शरीर से जो भी टॉक्सिक पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के अंदर आते हैं भोजन के द्वारा चाहे कहीं से भी आए, उनको बाहर निकालने का काम करता है। फिर फिफ्थ नंबर आता है स्केलेटल सिस्टम, ये आपको, तो पूरे के पूरे हमारे बॉडी का ढांचा बनाता है, कौन बनाता है, स्केलेटल सिस्टम। फिर आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर हमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन बनानी है तो उसमें कौन काम आएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेनली क्या होता है, किसी भी स्पीसीज की संख्या को बढ़ाने में या उसके अस्तित्व को बनाए रखने में काम आता है, कौन काम आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर हम स्किन्स की बात करेंगे और हेयर वगैरह की बात करेंगे, जो भी आउटर ऑर्गन होती है, चाहे वो सीबम ग्लैंड हो हमारे स्किन के ऊपर, स्किन हो जाएगी, हेयर हो जाएगा, टीथ हो जाएंगे, ये सारे इसके अंदर आते हैं, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम्स के अंदर आते हैं, जो भी हमारे शरीर का एक्सटर्नल पार्ट होता है, स्किन वाला पार्ट होता है, उसका अध्ययन किस कौन से में करेंगे, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर करेंगे। इम्यून सिस्टम हमें किसी भी रोग से लड़ने में सहायता प्रदान करता है, कौन करता है, इम्यून सिस्टम, कोई भी डिजीज हो और चाहे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, ठीक है, रोगों से लड़ने में हमारी सहायता प्रदान करता है, कौन करता है, इम्यून सिस्टम। फिर आता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिस प्रकार से ब्लड होता है, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड होता है, उसी प्रकार से एक लिक्विड और होता है जिसका नाम होता है लिम्फ, जो कहां पर काम आएगा, ये काम आता है इम्यून सिस्टम में, ये काम आता है कहां पर, इम्यून सिस्टम में। जिस प्रकार से एक ब्लड हमारे शरीर के अंदर पूरे के पूरे में फैला होता है, उसी प्रकार से एक लिक्विड और होता है जिसका नाम होता है लिम्फ, इसका कंपोजिशन और इसका कंपोजिशन डिफरेंट होता है, और ये काम आता है इम्यून सिस्टम में। तो लिम्फेटिक सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो पूरी की पूरी बात करेंगे किसकी, लिम्फ की, लिम्फ का कंपोजिशन होता है, लिम्फ का कौन कौन से कार्य हैं, उन सब की बात करेंगे जब पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, उसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आती है, हम पढ़ते हैं ग्लैंड्स, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थाइमस ग्लैंड, इन सब ग्लैंड्स की बात करते हैं, और ये हमारे सिस्टम्स को कंट्रोल करने का भी कार्य करती है, ठीक है, हार्ट बीट को बढ़ाना और हमारी भावनाएं, ठीक है, ये सारे कौन कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन सिस्टम। फिर आता है नर्वस सिस्टम, इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जू, ये दोनों आते हैं, और ये दोनों सिस्टम क्या करते हैं, इन सारे के सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है, ये कॉमन सी बात है कि नर्वस सिस्टम जैसे ब्रेन है, तो ब्रेन ही पूरे की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो बॉडी के अंदर ये क्या चल रहे हैं, सारे के सारे सिस्टम चल रहे हैं, तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों मिल करके इन बॉडी के सारे सिस्टम्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इसलिए इन दोनों सिस्टम्स को बोलते हैं सुपर सिस्टम। कौन सा सिस्टम, सुपर सिस्टम, क्यों बोला, क्योंकि ये दोनों के दोनों सिस्टम मिल करके कंट्रोल करते हैं, किनको कंट्रोल करते हैं, इन सारे के सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं, तो बोलेंगे ये दोनों कौन से सिस्टम हो गए, सुपर सिस्टम, ठीक है, कौन से सिस्टम हो गए, सुपर सिस्टम, ये ध्यान रखें आप। तो ये 11 सिस्टम हमारे पास है, इनको हम एक एक करके पूरे के पूरे को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, अगले क्लास में हम शुरुआत करेंगे किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो आज के लिए इतना ही, अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।